नहीं उठ ही नहीं रही क्रेन से, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसी को काम की जरूरत हो तो भाई मेरे को स्टाफ की जरूरत है, मेरे पास जॉब की वैकेंसी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत एक ये लाइट है, ये लाइट में ना यहाँ पे मिट्टी विट्टी भरी हुई है और पानी वानी देख रहे हो, साफ सफाई बिल्कुल साफ सफाई करा दी है जब लाया थे, मतलब अभी तक ना ये लगा लो इन सामानों की पेमेंट तक नहीं हो रखी, मतलब एक गाड़ी का पूरा सामान पड़ा हुआ है। भाई गाड़ी घर के बाहर से लिफ्ट होके अब जा रही है गैरेज पे हमारे, तो अभी इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरी कोशिश करेगा उठाने की, पता नहीं उठ ही नहीं रही क्रेन से, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई उठ नहीं रही लिटरली यार, ये क्या हो गया नया सीन, भाई उठ ही नहीं रही, नहीं बजूड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर, भाई स्वागत है अगले दिन में। कल तो आपको पता है मैंने दिखाया था कि उबेस आया था, आज फिर से उबेस यहाँ हमारे साथ। भाई बड़ी दूर से आता है और अभी टाइम क्या हो रहा है ये देखो, 3:54। ये देखो भाई, एक तो यार वर्कशॉप का सारा रास्ता खत्म हो गया है देख रहे हो, और अगर अभी तुम्हें मैं बताऊँ ना, अभी इतना बुरा हाल है कि कोई हद नहीं। तो मैं दोस्त की ब्रेजा पे आया था भाई, ये मेरे दोस्त की ब्रेजा है, उसने नई ली थी, इसके साथ ना बड़ा तगड़ा स्कैम हो गया, इसने काम कराया था पता नहीं कहाँ पे। अब देखो जैसे करोल बाग में होता है और भी बड़ी सारी जगह होता है, नई गाड़ियों में जो काम करते हैं ना उसमें वो क्या स्कीम लगाते हैं जिससे भाई मतलब लोग अट्रैक्ट होके पहुंच भी जाते हैं, फिर उसमें कहाँ वो चोट देते हैं, वो चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो मेरे को ना एक बार कमेंट डाउन करके जरूर बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई कहाँ ये चोट देते हैं और किस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हम बहुत परेशान है भाई, हाल देख लो क्या हो रहा है गाड़ियों का, और ये वाली अपनी तुम्हारे भाई की, और ये सारे हमारे प्यारे कस्टमर्स की गाड़ी है। अब इनको वापसी प्रोसेसिंग पे लेके आना है और इनको आगे बढ़ाना है काम को। अब उबेस के अकेले होने से कुछ नहीं होता, मुझे उम्मीद थी कि डेंटर पहले आ जाएगा, पेंटर पहले आ जाएगा, लेकिन भाई देख लो अपने पुराने बंदे पुराने ही होते हैं, अब उबेस साथ पहले खड़ा है, तो उबेस आ गया। अब ये है कि थोड़े थोड़े काम चालू कराएंगे, मतलब बारिश डेली बहुत ज्यादा हो रही है, देख लो तुम्हें कीचड़ वीचड़ से अंदाजा हो रहा होगा, अभी भी बस जस्ट अभी बारिश बंद हुई है ऊपर, ये देखो एक बार हाल। केला बंदा उबेस भी क्या करेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है मतलब हेल्पिंग वेल्पिंग के लिए भी बंदा चाहिए होता है, यहाँ पे अभी कोई है नहीं, रात को बस एक वो केयर टेकर होता है तो वो थोड़ा देख लेता है रात की। बाकी भाई अभी जो हमें कमरा सेट कराना था उसके लिए ना थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग करके आनी है, क्योंकि यहाँ ना सांप आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं लगातार, मैंने फिनाइल वगैरह घर पे मंगा के रखी हुई है, वो यहाँ ले आएंगे फिनाइल भी और थोड़े पोचे वोचे जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है वो सब केयर करने के लिए, जो ये उथल पुथल हो गया ना ये सारे, एक बार थोड़ी टीम इकट्ठी हो जाए ना तो सारी इकट्ठे ही कर देगी। हाँ एक चीज और मैं कह रहा था यार, कि अगर किसी को डेंटर का काम आता हो, किसी को पेंटिंग का काम आता हो, किसी को अगर पेंटर हो या मैकेनिक हो, तो भाई आप मेरे को फील फ्री टू कॉन्टेक्ट डी मैकेनिक इंस्टाग्राम पे लिख के आप उस पर डीएम मार देना, और आप मेरे को व्हाट्सएप पे 9711262262 पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कॉल मत करना, बस उस पर व्हाट्सएप मैसेज और डी मैकेनिक वाले उस पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। किसी को काम की जरूरत हो तो भाई मेरे को स्टाफ की जरूरत है, तो मेरे को एक्चुअली क्या है कि काफी टाइम से ना मैं वेट कर रहा था अपने बंदों का, तो अभी भाई हर कोई अपना अपना टाइम लगाएगा, अगर इन बिटवीन किसी और को भी जरूरत हो तो मेरे को, मेरे पास जॉब की वैकेंसी पूरी है, दिक्कत नहीं, बहुत बंदे रखने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप आने हो तो आप ही आ जाना, क्योंकि मेरे पास और गाड़ियां आने को तैयार है लेकिन मैं बुला नहीं रहा, मैंने सिर्फ ये बोला हुआ है दिवाली से पहले मेरे को सब गाड़ियां जितनी भी है ना ये खड़ी हुई है, अभी जो कस्टमर्स की गाड़ियां 6-7 गाड़ियां, ये 6-7 की 6-7 पहले दूंगा, उसके बाद कोई दूसरी का सोचेंगे। तो यही कुछ सीन है, अब मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का उबेस को मैंने हाल दिखाया, अभी क्या है इसमें एक थोड़ा सा इशू है, मेन ये चीज है, हमें सिर्फ इसका क्लच पहले कराना है, बाकी चीजें बाद की बात है, ये सारी कॉस्मेटिक आइटम है, इनकी कोई टेंशन नहीं है। एक ये लाइट है, ये लाइट में ना यहाँ पे मिट्टी विट्टी भरी हुई है और पानी वानी, तो इसको हम क्या करेंगे रिपेयर वगैरह करा के देखेंगे, नहीं तो चेंज करा के नहीं डाल देंगे, वैसे भी लाइटें नहीं थी, बस जो भी है बाकी जितना भी इसका हालात खराब है उसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही है भाई, और प्रोजेक्ट कार तुम्हें पता है किस लिए होती है, और मैं दोबारा सही कराने के बाद तैयार कराने के बाद दोबारा लेके जाऊंगा और दोबारा इसको ढंग से पेर के देखेंगे क्या चीज जवाब दे सकती है, और इतनी रग ड्यूज होने के बाद भाई मैं दाद देता हूँ इस गाड़ी की कि बहुत कम चीजें खराब हुई हैं, और मजा आ गया। इंजन देख लो भाई अभी भी साइलेंट और सुशील है, तो भाई टोयोटा टोयोटा ये इसलिए ऐसी थोड़ा टोयोटा को रेकमेंड करते हैं, यही है, बाकी तो उबेस आ चुका है लेकिन बस यही है, अकेले बेचारा क्या ही करेगा, अब यहाँ हम आए हैं सिर्फ दो बंदे, कोई है नहीं, पूरा वो रखा है बुरा हाल, हमने आके खोला इसे और खोल के चेक कर रहे थे भाई क्या है क्या नहीं, बस यही होता है भाई सुबह सुबह, अब कैमरे वगैरह तो सब कुछ है लेकिन टेंशन रहती है चोरी चकारी वगैरह कुछ ना हो जाए, किसी को हेल्पर भी का काम भी आता हो तो भाई वो भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सैलरी वगैरह जो होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, पर मेरे को प्रोफेशनली काम चाहिए, बस यही है।
है। और ये देखो भाई, यहाँ हमारे नए सामान आके उतरे हुए थे कब के, ये भाई जब लाया थे मतलब अभी तक ना ये लगा लो इन सामानों की पेमेंट तक नहीं हो रखी, मतलब तब के सामान हमारे पास पड़े हुए हैं। एक स्टेयरिंग पड़ा है अंदर, मतलब एक गाड़ी का पूरा सामान पड़ा हुआ है, वो लगा के हमें वो भी करनी है, क्या कहते हैं कि गाड़ी कम्प्लीट हो हमारी। आज मैंने घर से ना, क्योंकि हम अब क्या करता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ, जो सामान आता है ना हमारा पंजाब से, हम उसे घर उतरवाते हैं, पहले आधा यहाँ आधा घर। तो पिछली बार जब आया था तो मैंने आधा सामान भेज दिया था गाड़ी में रख के, तो अब वो वहाँ घर से यहाँ पे मंगवा लिया था, जब उबेस का पता चला कि उबेस आ रहा है, लेकिन इसको हम मेरे कमरे में कर देंगे ताकि सेफ रहे। यहाँ पे अलग लॉक रहता है, यहाँ थोड़ा और डबल सिक्योरिटी टाइप है थोड़ी, समझ रहे हो, इसलिए वहाँ स्टेयरिंग वगैरह यहाँ रखा। 18-20 हज़ार रुपये का भाई एक स्टेयरिंग है, यही है भाई, इतनी छोटी सी आइटम होती है, एक चीज़ भी इतनी महंगी होती है। बाकी अब मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन रह गए हैं, कोई ना कोई बंदे आए और तरीके से बस काम चालू हो जाए, हमें हेल्पर मेन चाहिए, क्योंकि अकेले सारे काम नहीं हो सकते इतनी बड़ी वर्कशॉप पे, तो यही चीज़ है। बाकी होपफुली सब चीज़ें हो जाएंगी और भी बेटर। भाई एक बार इसको खोलते हैं, तुम्हें ना एक बार महंगी चीज़ दिखाता हूँ, महंगा सौदा, इतने सारे महंगे सामान पड़े हैं हमारे पास, देख रहे हो, साफ सफाई बिल्कुल साफ सफाई करा दिया। ये देखो भाई, ऐसे ख़राब होते हैं, अगर मैं यहाँ रखा रखता ना वो सामान, तो उसका भी हाल कुछ ऐसा होता, लेकिन भाई देख लो सब सेट है। तो भाई अभी वापस क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बंदा कोई है नहीं यहाँ पे, अब ना उबेस भी इतनी दूर से आता है, उसे भी आते आते 1-2 बज जाते हैं, वहाँ से क्या कहते हैं गुड़गांव से, जो मकैनिक का हमने रेजोल्यूशन कराया कि भाई चलो वहाँ से मकैनिक का एक सोल्यूशन निकाला कि चलो वहाँ से आ जाएगा, उसका भी भाई पता चलेगा कि देखते हैं आता नहीं आता, क्योंकि जो आपको पता है थोड़ा सा होता है स्टाफ का, बोल तो देते हैं आएंगे, लेकिन हर किसी का भाई डाइसी रहता है, तो भाई काम तो ऐसे ही चलते हैं, डिले इसी वजह से होते हैं। बाकी भाई चलते हैं वापस, और ये गाड़ी अभी तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम जानना चाहते हो ना भाई करोल बाग में और ये बाकी सारी जगहों पे क्या स्कैम स्कूम होते हैं, क्या किस तरीके से और फंसाया जाता है नई गाड़ियों में, तो मुझे बता देना, मतलब अच्छे से डील कैसे कर सकते हो, मैं वो जरूर सिखा दूंगा अगली वीडियो में एक आपको, क्योंकि मैं था नहीं तो मेरे दोस्त ने, अगर मैं होता तो मेरा दोस्त किसी और को देता नहीं, पर उसने बहुत वेट करा 1-1.5 महीना, फिर उसके बाद उसने एंड में भाई बिना स्टूडियो के कोई कितनी देर गाड़ी चला लेगा, तब काम कराया और ऐसी तैसी हो गई बेचारे की यार काम में, देख लो मैनुअल गाड़ी और पेडल शिफ्टर लगे हैं। चलो जो भी हो सब चीजें ना, अगर आपको जाननी हो तो भाई कमेंट डाउन कर देना, आपको अगली वीडियो इस कुछ स्कैम के ऊपर ही बता देंगे, जिससे आप कैसे निपट सकते हो और बच सकते हो और बेहतर कर सकते हो अपनी गाड़ियों को, नई गाड़ी जो निकालते हो ना 15-10 लाख खर्च के उनको। तो यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, हम तो चले अपने घर को, यहाँ तक अगर ये वीडियो देख लिया तुम कहाँ जाओगे वैसे, तो यहाँ तक अगर ये वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स, और आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एक बार हमारी फॉर्च्यूनर लाइन पे आ जाए, आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई मिलते हैं, अभी रात के वही 11:55 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ भाई अभी गैरेज पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल और अपना पोचे थे, ये चाहिए थे वर्कशॉप पे, क्योंकि रात को जो केयर टेकर है ना वो कह रहा है भाई सांप आते हैं, और वहाँ पे मतलब पता क्या सांप बहुत ही ज्यादा आने लग गए, मतलब पाँच छः सांप आ रहे हैं इकट्ठे, तो अभी ये फिनाइल के पोचे वोचे लगेंगे ढंग से तो थोड़ा बचाव हो जाएगा। और कुछ हल अगर तुम्हें भी बताओ ना यार, बताना इस सांप आने से कैसे रोगे, क्योंकि यार खेत वेत है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे मार मार नहीं सकते ना इधर उधर, थोड़ा हटा देते हैं हम जितनी बार भी होता है, लेकिन कुछ जहरीले सांप भी होते हैं, तो इससे कुछ बचने का कोई उपाय बताना, बाकी तो मैं यूट्यूब पे बैठे देखूंगा, रिसर्च करूंगा, तो बस यही है। ये यहाँ तक वीडियो देख ले तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बढ़िया से सीन के साथ, चलन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो भाई अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, व्लॉग फिर चालू हुआ है, क्योंकि भाई तुमने मुझे बताना है कि लास्ट में जो आप क्रेडिट सीन देखते हो, लास्ट जो मेरी 3-4 वीडियो आ रही है मैं उसमें एक एंड में ना क्लिप डाल देता हूँ कि अगली वीडियो में क्या आने वाला है, तो ये चीज़ आपको पसंद आती है नहीं आती इस चीज़ का जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि मैं जब मुंबईकर निखिल के ब्लॉग देखता था, नींद में हो रहा काफ़ी, मैं जब मुंबईकर निखिल के ब्लॉग देखता था उसमें एक लास्ट में क्रेडिट सीन आता था, उससे अगली जो ब्लॉग में क्या आने वाला है उसका एक क्रेज बना रहता था, तो सोच रहा था ये वाला ग्लिम्स जो होता है जो लास्ट में मैं ऐड करता हूँ वो अपनी वीडियोस में ऐड रखा करूँगा, लास्ट कुछ वीडियो से कर रहा था, लोगों को पसंद भी आता था और अगले वीडियो का ना क्रेज रहता था कि अगली वीडियो में क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आपको पसंद आती है तो बता देना, अगली हर वीडियो के अंदर अगले हर व्लॉग्स के अंदर आपको एक चीज़ ऐसी लास्ट में ज़रूर मिलेगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अगला व्लॉग देखना है नहीं देखना, तो बस यही है भाई, बाकी देख लो अभी
3:48 हो रहे हैं, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, 3:48 मतलब वही 4:15 बजे वीडियो अपलोड होगी और 10 बजे के लिए शेड्यूल हो जाएगी। तो रात रात को जाके तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई। तो मिलते हैं भाई।